नाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। श्योपुर जिले में सीप नदी में 11 लोगों को ले जा रही नाव के पलट जाने से 7 लोगों की जान चली गई। 5 बच्चे इसमें शामिल हैं। एसडीआरएफ की टीम ने इस हादसे में मारे गए 7 लोगों के शव को बाहर निकाला है और 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद रेस्क्यू किए गए लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना। 7 में से कुल 2 जो है वयस्क है, 1 35 वर्षीय पुरुष है, 1 30 वर्षीय महिला है और बाकी 5 जो है बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से लेकर 15 वर्ष के बीच में है। तो उसी समय जब सीप को क्रॉस करते समय जब नाव लगभग उस छोर पर पहुंच रही थी तब नदी में भंवर आया, तो भंवर आने के कारण जो है नाव पलटने से ये घटना हुई है। घटना में कुल 11 लोगों में से 4 लोग जो है जीवित निकाले जा चुके हैं और 7 जो है बॉडीज अभी एसडीआरएफ के द्वारा निकाली गई है। डॉक्टर मोहन यादव साहब ने इस पर जिला प्रशासन से मुझसे बात की और मैंने जिला प्रशासन से बात की है और आपको ऐसी जिसमें इसकी भी पूरी हम जांच कराएंगे, घटनाक्रम की पूरी, और इसमें कोई भी कमी होगी उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। इधर मंदसौर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात भानपुरा थाना इलाके की है। गैंगरेप का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों में से 2 सगे भाई हैं। इसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ 3 लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया है, जबरदस्ती करी। उसी तापे में मैं FIR और इसमें जो संदेही बताए थे मालिकगढ़ के द्वारा उनको तत्काल हिरासत में लिया गया। तीनों ही जो आरोपी हैं उसमें वो नाबालिग हैं, जिसमें 2 आपस में सगे भाई, इनको इनके अग्रिम जो कार्रवाई वर्ती कार्रवाई करके सोशल मीडिया पर भी इनके वीडियो जारी किया गया। सोशल मीडिया पर सब कोई वीडियो चल रहा है तो उसको भी लेकर सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको जांच करा दी। खबरों में बढ़ते आगे, इधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक बार फिर से नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। जिले के दुर्मी गांव में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी, जिसके चलते टावर की वायरिंग बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और टीम ने इलाके में सर्च अभियान अब तेज कर दिया है।